नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के नंदगांव पेठ में स्थापित होने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को वर्धा से वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस दौरान अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सांसद नवनीत राणा को कड़ी मेहनत की खूब सराहना की। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तारीफ सुनकर नवनीत राणा के आंसू छलक गए। अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा समेत अन्य नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नवनीत राणा तब भावुक हो गई जब देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नवनीत राणा ने सांसद के रूप में अमरावती टेक्सटाइल पार्क को आगे बढ़ाया है। इस दौरान अनिल बोंडे ने भी पूर्व सांसद की तारीफ की। ऐसे में अपनी तारीफ सुनकर नवनीत राणा भावुक हो गई और कहा, ये खुशी के आंसू है। बता दें कि इस कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वस्त्रोद्योग क्षेत्र में यह नई क्रांति लाने वाली योजना है। इसके लिए आधुनिक और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। फार्म से फाइबर और फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन और फैशन से फॉरेन निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क से अमरावती का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक विदर्भ का क्षेत्र उपेक्षित था। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नांदगांव पेट MIDC में रेमंड, सियाराम समेत अनेक बहुराष्ट्रीय वस्त्रोद्योग लाए। बता दें, देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मार्च महीने में वस्त्रोद्योग भवन के निर्माण की घोषणा की थी। अमरावती में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे करीब 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।